पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के सभी सांसदों की बैठक संसद में बुलाई थी। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के सभी 8 सांसद जो वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं वो मौजूद थे। इस बैठक में परनीत कौर, जसबीर गिल, गुरजीत ओजला, डॉक्टर अमर सिंह, मनीष तिवारी, शमशेर सिंह डुल्लो और प्रताप सिंह बाजवा मौजूद थे। आज की बैठक जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी सांसदों को कहा कि पंजाब में जो हार हुई है उसकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है और सभी सांसद खुलकर अपनी बात कहें। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का और सभी सांसदों ने खुलकर ये बताया कि पंजाब में कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई। सबसे पहले एक सांसद ने ये कहा कि जिस तरह से 2021 में खड़गे कमेटी बनाई गई थी जो पंजाब में क्राइसिस चल रहा था उस दौरान, उसको लेकर खड़गे कमेटी के बनने के साथ ही कांग्रेस के पतन की एक तरह से स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, उसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। उस सांसद ने ये कहा कि खड़गे कमेटी का उद्देश्य ही सिर्फ ये था कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और जिसका आने वाले वक्त में बहुत बुरा प्रभाव पंजाब कांग्रेस पे पड़ा। इसके साथ ही एक सांसद ने ये कहा कि जिस तरह से दिल्ली के एक नेता ने दिल्ली में कांग्रेस को बर्बाद किया, उसी तरह से पंजाब में जब उनको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो टिकट बंटवारे में सीधे तौर पे आरोप लगाया गया प्रभारी हरीश चौधरी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन के ऊपर। कई सांसदों ने ये कहा कि जिस तरह से टिकट वितरण किया गया, जिस तरह से पैसे लेकर टिकट बेचे गए, सीधा सीधा आरोप लगाया गया, उसकी वजह से सही उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ा। इसके बाद एक सांसद ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह से सुनील जाखड़ के ऊपर आरोप लगाया गया कि सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष थे और उस दौरान जब 4 साल तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कोशिश ये की कि पंजाब के अंदर हिंदू और सिख के बीच एक खाई बढ़ जाए और उसका भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव के दौरान उठाना पड़ा। कांग्रेस के ही सांसद जसबीर गिल, जो चुनाव के दौरान भी वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए कि किस तरह से प्रभारी हरीश चौधरी पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि ठग्स ऑफ बाड़मेर है, वो बाड़मेर वो जगह है जहाँ से हरीश चौधरी चुनकर आते हैं। तो सीधे तौर पे आज सोनिया गांधी के साथ जो बैठक हुई उसमें तमाम कांग्रेस के सांसदों ने खास तौर से 3 लोगों के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया, जिसमें प्रभारी हरीश चौधरी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए। इन लोगों का कहना था कि जिस तरह से सार्वजनिक रूप से ये तीनों ही नेता और साथ में कई लोगों ने ये कहा कि प्रदेश वो जो वर्तमान में कल तक प्रदेश अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री के बीच जिस तरह का टकराव रहा, जिस तरह से सार्वजनिक रूप से ये तीनों नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डैमेज कांग्रेस पार्टी को इसकी वजह से हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पंजाब कांग्रेस के सभी सांसदों से हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में बवाल हुआ और बवाल इस तरह का था कि सभी सांसदों ने सीधे तौर पे AICC के द्वारा भेजे गए प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन को पंजाब में हुई दुर्गति के लिए जिम्मेदार माना। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।